हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज स्टूडेंट्स मैं आपको तीन टॉपिक लेने वाला हूं जो बेसिकली आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आने हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर में स्टैटिक्स एक पार्ट है, बिजनेस स्टैटिक्स, उसमें तीन टॉपिक मीन मीडियन मोड, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। कुल मिलाकर तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि एक इस वीडियो में आप इन तीनों को ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं शुरू और समझाते हैं आपको तीनों के बारे में। जी हाँ दोस्त, बेसिक मैंने इसके पहले बता दिया था, अब सीधा हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पूरी पूरी समझ में आएगी और अच्छे से आप इन्जॉय करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो श्रेणी होती है, जी हाँ दोस्त, वो कोई भी श्रेणी होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी व्यक्तिगत और एक होती है वास्तव, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिएट खंडित, और एक होती है आपकी जिसे हम कहते हैं सतत। ये तीन प्रकार की श्रेणी होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रिएट और कंटिन्यूस। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है और जो डिस्क्रिएट होती है और जो आपकी कंटिन्यूस होती है, जिसमें डाटा होता है दो चार, जैसे दो चार छः आठ, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज जिसमें आपको एक्स दे दिया और एफ दे दिया, दो चार छः आठ और यहाँ पे दो एक दो एक, और जिसमें आपको वर्ग अंतराल सी आई दिया जाता है, यानी कि क्लास इंटरवल दिया जाता है दोस्त, उसमें आपका क्या होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये आपका क्लास इंटरवल और इसकी एफ। तो ये होता है आपकी तीन प्रकार की श्रेणी, मैंने आपको आज आपको बताई। अब इसके न्यूमेरिकल को लेकर समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी का न्यूमेरिकल। जी हाँ दोस्त, व्यक्तिगत श्रेणी के न्यूमेरिकल में हम कैसे इस चीज़ को समझेंगे प्रैक्टिकली तौर पर। तो लेस, सबसे पहले हम लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में तीनों चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, फॉर्मूले को साथ में लेके चलेंगे। जी सबसे पहले मैं एक्स बताता हूँ, आपके पास है क्या, आपको एक्स दे रखे हैं सपोज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब इनके सब के आधार पर, और इसके साथ दे रखा है आपको एग्जांपल के तौर पे फिर से 25, फिर से 35, फिर से 25, फिर से 25 और 20, ये सारा डाटा आपको दिया है। चलिए हम चेक करते हैं इनमें तीनों में। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है, पहली बात मैं आपको बता दूं। इस श्रेणी में अगर आप समांतर माध्य निकालते हैं, तो समांतर माध्य को मैं सबसे पहले समांतर माध्य आपको निकालना सिखाता हूँ। समांतर माध्य को, जिसको हम एक्स बार बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर एक्स तो ये मान हो गया, सिग्मा मीन्स इसका टोटल और एन मीन्स ये कितने पद हैं, जैसे 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13। जी हाँ दोस्त, 13 पद हैं कुल, तो मैं इनको 15 कर लेता हूँ, लीजिए 10 और 5 भी ले लिया मैंने। अब इनका टोटल करेंगे तो जो हमारे पास एन है वो आपका 15 है और सिग्मा एक्स हमें चाहिए, तो एक्स बार हम निकाल लेंगे यहाँ पर, इसको टोटल कर देते हैं। ठीक है जी, जी ये आ गया टोटल इसका, आप यहाँ पर रख दीजिए 375/15। तो आप सीधा सीधा काट लेंगे, 375 को 15 से जब हम भाग देंगे तो गाइज ये 25 आएगा। तो यहाँ पर जो समांतर माध्य आया वो 25 आ गया। ये आपने सीखा समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। अब इसी में माध्यिका सिखाता हूँ। माध्यिका के लिए आपको जब मीडियन निकालना है तो मीडियन का जो इंडिकेशन मार्क है वो है एम। तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि जो एन है, जो ये एन है हमारा, ये सम है या विषम है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये विषम है। तो यहाँ पर ये विषम है, विषम के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, ऑड है ये, ऑड के लिए फॉर्मूला लगता है एन प्लस वन अपॉन टू वापद दैट आइटम। तो एन है 15, 15 प्लस वन डिवाइड बाय टू दैट इज 16/2 8 वापद। तो असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लगाना पड़ेगा, ये चीज़ मस्ट है, समझ लीजिए। अगर आप मीडियन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जी हाँ, डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा आपका मीन नहीं निकलेगा। जैसे बढ़ते क्रम में लगाना है तो मैं बढ़ते क्रम में गिनता हूँ आठवां पद कौन सा बैठता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी, 6, 7, 8, 25 ही बैठा, तो यहाँ से भी आपका 25 आ गया।
तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये तीनों जो हैं ये आसपास ही इनके आंसर आते हैं, क्योंकि तीनों सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। इफ़ यू हैव कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी तो यू मस्ट कैलकुलेट दीज थिंग्स दीज थ्री। तो पहले मैंने बताया समांतर माध्य सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज़ अ फॉर्मूला। दूसरा बताया मैंने माध्य का एन प्लस वन अपॉन टू, इसमें एक और फॉर्मूला आता है, वो कब आता है जब ये एन 15 ना होकर 16 हो जाता, यानी कि आपका ओड ना होकर इवन हो जाता। तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, इवन के लगता है एन अपॉन टू वापद प्लस एन अपॉन टू प्लस वन वापद पूरे के अपॉन में टू। ये कब लगेगा, वैन, यहाँ पर लिख लीजिए वैन n इक्वल टू इवन, जब n इवन हो तब ये फॉर्मूला लगता है, ओड हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये मैंने बताया माध्य का। अब बहुलक अगर आपको निकालना है तो दोस्त समझेंगे, अगर आपको मूड अगर आपको निकालना है तो मूड के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सीरीज में कोई फॉर्मूला नहीं है। इनमें से जिस पद की आवृत्ति ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया होगा, रिपीट हुआ होगा, वही आंसर है। जैसे आप, मैं डायरेक्ट बता दूं क्योंकि मैंने ही क्वेश्चन बनाया अभी, ये 25 देख सकते हैं आप, फोर टाइम रिपीट हो रहा है, इट मींस 25 आंसर है। और आंसर ऑलवेज एक्स में से होता है, ये ध्यान रखिए, एफ आंसर नहीं होता। तो लिखेंगे 25 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, सो मूड इज 25। तो तीनों आंसर आप देख सकते हैं सेम आए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहा, तीनों आंसर सेम आए। आई होप कि आपको समझ में आया। जी दोस्त, एक बार फिर आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब मैं लेता हूँ कंटिन्यू सीरीज़। कंटिन्यू सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज एक ही श्रेणी में आती है मैक्सिमम टाइम, तो हम इसको देखेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिया होगा, इसमें एक तो क्लास इंटरवल होगा जिसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं हिंदी में, आपके सामने वर्ग अंतराल देख रहे हैं आप। इसके बाद यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी, तो अब इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अगर आप समांतर माध्य निकालना चाहते हैं, जी हाँ दोस्त, अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो यानी कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आपको अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगता है जो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जी हाँ दोस्त, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें एफ तो है, एक्स और चाहिएगा, तो हम यहाँ पर एक्स बनाते हैं। एक्स कैसे बनेगा, ये जो सी आई है इसकी मिड वैल्यू जो है उसको हम एक्स बोलते हैं। जी हाँ दोस्त, जो मिड वैल्यू है उसको हम एक्स बोलते हैं। कैसे निकलती है, एवरेज, दोनों को जोड़िए, दो से भाग करिए, जैसे 10 और 0 10 डिवाइड बाई 2 5, और 20 और 10 30 डिवाइड बाई 2 15 डिवाइड बाई 2 25। 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो अपने आप से आप बढ़ाते चलिए, ये आपका आ गया एक्स। अब हमें एक्स इंटू एफ चाहिए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स इंटू एफ, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 60 150 35 दूनी 70 और 35 हम ये 420 और 728 और 735 315 5 20 5 20 6 12 6 12 और 5 2 10 130। ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया, इसका टोटल कर देते हैं दोस्त, और उसके टोटल की सहायता से हम यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे, ठीक है जी। जी तो अभी देखिए आप, बेसिकली बात क्या है कि हम इसको कैसे करें, समझ में आना चाहिए, जो मेन बात है उसको आप समझ लीजिए अच्छे मन से, ठीक है जी। सो अब देखिए आप, इसको हम फॉर्मूले इसका टोटल करते हैं, टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे, तो ये टोटल हो गया आपका, हो जाता है 130 220 315 420 150 60 और 10। तो ये टोटल हो गया गाइस, ये हो गया आपका 1305 इसका टोटल। और इस टोटल की सहायता से हम यहाँ पर सिग्मा एफ भी निकालेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए 6 और 6 12 12 24 और 7 31 और 4 35 तो 37। तो आप यहाँ पर अगर एक्स बार निकालना चाहते हैं, 1305 को 37 से डिवाइड कर लीजिए, आपका एक्स बार आ जाएगा, ठीक है जी। लीजिए, आपका एक्स बार भी आ गया है, जी हाँ दोस्त, और ये आ गया आपका 35.27। ये आपका आंसर हो गया है एक्स बार का। तो समझ गया आप मेरी बात, ये कंटिन्यू सीरीज़ है। अब यहीं पे आपको अगर मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो सी आई चाहिएगा, ठीक है जी, वही 10 से 20 मैं सारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ।
ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ और एफ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आंसर भी कंपेरिजन कर सके। यहाँ पे एक्स इंटू एफ चाहिए था, यहाँ पे चाहिएगा सी एफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। सी एफ चाहिएगा तो उसका टोटल करेंगे छः, इस कैसे होता है, इन सब का टोटल कर दीजिए, दो दो और चार छः, छः और छः बारह, बारह बारह चौबीस, चौबीस सात इकतीस, चार पैंतीस और दो सैंतीस। यहाँ पर जो एफ आया आपका, इसे एन बोल लेंगे, 37। ऊपर भी देख सकते हैं आप सेम है। अब अगर हमें माध्यिका निकालनी है तो कैसे निकलेगी, मीडियन का यहाँ पर फॉर्मूला, मीडियन के लिए पहले यहाँ पर निकलता है एम नंबर, जी हाँ दोस्त एम नंबर, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ऑलवेज एन बाय टू, जी हाँ दोस्त एन बाय टू लगाएंगे, एन है 37, 37 बाय टू लगा लीजिए, 18 दूनी 36, 18.5 आ गया। तो 18.5 आ गया, तो आपको इस सी एफ में देखना है ये कहाँ बैठेगा, 18.5 12 में तो बैठने का नहीं, 24 में बैठेगा क्योंकि इससे ज़्यादा है, ज़्यादा वाले में बैठता है, तो ये आपका क्राइटेरिया आ गया। जी हाँ दोस्त, इससे हम क्राइटेरिया निकालते हैं, तब एक बड़ा फॉर्मूला लगता है जिसको आप देख लें, L1 plus L2 minus L1 upon F into M number minus C। अब इसके एलिमेंट समझ लीजिए, L1 लोअर लिमिट दैट इज़ ये आ गया 30, L2 अपर लिमिट 40, F 12, सी जो आपका क्राइटेरिया उससे पहले वाला, ये आपके एलिमेंट्स आ गए। मैं दोबारा बताता हूँ, ये एलिमेंट्स हैं आपके, इनके आधार पर आप जी फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है जी, और ये आपका मेन पार्ट है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 30 plus 40 minus 30, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 10, एफ हो गया 12, एम नंबर ऊपर था 18.5 minus 12, तो 30 plus, बोर्ड मास आप सभी लोग जानते होंगे, बोर्ड मास में पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है, एड लेस बाद में होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो आपका आंसर आया वो 65 divided by 12, ये आ गया दोस्त 5.417, इसको जोड़ेंगे 35.42 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आया। इसको नहीं छेड़ना है, इसको सारा छेड़ के उसके बाद ऐड कर दीजिए, तो देखिए जरा जरा सा फ़र्क है, 27 है यहाँ, 0.42 है। अगर यहीं पे आपको उसका बहुलक भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है यानी कि मोड भी निकालना है, तो मोड के लिए फॉर्मूला लगता है, MO बोलते हैं इसका इंडिकेशन मार्क, उसके लिए होता है L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into L2 minus L1। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका बहुलक भी आ जाएगा, इसके लिए सी एफ की ज़रूरत नहीं होती, इसी टेबल से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। आप देखिए कैसे करूंगा, आपके सामने है जी, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो उसका ही सामने वाला क्राइटेरिया होगा, जैसे इन सब में सबसे ज़्यादा क्या है 12, जी हाँ दोस्त 12 है, तो 12 के सामने वाली टेबल यही टेबल काम करेगी, तो इसका 30 हो गया L1, इसमें F1 यही होता है, इसको F1 बोल सकते हैं, और इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2, ठीक है जी। चलिए F1 हो गया 12 minus 6, 2 multiply 12 minus F0 हो गया 6 और F2 हो गया 7 into L2 minus L1, का डिफरेंस जो है 10, 30 plus 12 minus 6 यानी कि 6 by 24 minus 13 दैट इज़ 11 multiply 10, 30 plus 60/11, क्या आंसर बैठा, जी हाँ दोस्त 60/11 जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा 35.45 आएगा जो उसमें ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों के आंसर अब भी आसपास ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये होता है समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक, तीनों को मैंने आपको समझा। अब इनका एक रिलेशन फॉर्मूला बताता हूँ, अगर कभी कोई दो दे दिए, तीसरा आपसे पूछा या तीनों निकालने के लिए कहा, तो एक फॉर्मूला है वो है, इसको MO को हम जेड भी बोलते हैं, जी हाँ दोस्त। तो यहाँ पे जेड बराबर 3M minus 2X bar, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये रिलेशन फॉर्मूला है बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन, आप इसे समझ लेंगे। तो सपोज़ आपको तीनों निकालने हैं, तो दो आपके आगे तो उसको लगा सकते हैं, कभी आपको दो चीज़ दे दी एक हिडन है, तो शॉर्ट में इस तरह क्वेश्चन आता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, मैंने जो कॉन्सेप्शनल समझाया है, और इसका ही यूज़ करके आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो कुछ एग्जांपल अपनी बुक से कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
जुड़ जाइए अपने टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम में मैंने ग्रुप बनाया आप जैसे बच्चों के लिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और फटाफट से थंबनेल, फटाफट से लाइक प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिन्हें इस तरह के चैनल की नीड है। बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू।